भाई सामने से भैंसे आ रही हैं। कितने टाइम बाद भैंसे देखी हैं। हमारे साइड की तो मोटी भैंस रहती है, मोटी भैंस। पहुंच गया है ऊपर, कैसा लग रहा है आपको? मजा आया। चार ठीक है, सिंपल है, नॉर्मल सिंपल। हेलो मंडोलक मेंढकलोटक होटल है ये, इसे कहते हैं खंडर। चलो भाई पंकज ने तो अपना कर दिया काम, आप लोग भी आ सकते हैं क्योंकि ये टाइम अभी एक दो तीन महीने, मतलब दो तीन महीने बहुत अच्छे हैं। लोनावला और क्या है खंडाला, लोनावला, खोपोली। वेलकम बैक टू माय चैनल भारती व्लॉग्स। और जो हम लास्ट टाइम लोनावला गए थे मैं और पंकज, उससे परी और ओजस इतने इंस्पायर हो गए कि वो आज फिर जा रहे हैं हमारे साथ। मतलब आज हम इस संडे जा रहे हैं 7 डेज के बाद, और ये जा रहा है ओजस। ओजस ये हमेशा गुस्सा हो जाता है। और मौसम बहुत ही सुहावना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखा ना मौसम कितना सुहाना है। मतलब वो तो हर वक्त होता है। मुझे लगता है कि मुझे एक लाइन और ऐड कर लेनी चाहिए, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मौसम बहुत ही सुहाना है, ये कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और मौसम है बहुत ही प्यारा। तो चलिए चलते हैं लोनावला। ये हमारा सेकेंड ट्रिप है। एक हफ्ते के बाद हम दोबारा जा रहे हैं। और वो रही परी, परी वो रही परी रेडी विद ब्लैक। आपको तो पता ही है ब्लैक में ही होती है ये हमेशा। तो यह परी का आज का लुक। और हाँ, और आज पहले मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ। और यह है मौसम। आज हम लोनावला सुबह सुबह ही जा रहे हैं क्योंकि हमें आफ्टर लंच जाना है परी के लुक टेस्ट के लिए। एक्चुअली लुक टेस्ट भी नहीं बोल सकते, उसने एक वेब सीरीज़ की थी तो उसमें उनको कुछ फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो शूट करना है इसका, बहुत टाइम से पेंडिंग था। और वो रहे पंकज चुपचाप पीछे से निकल गए हैं गाड़ी की तरफ तो चलिए चलते हैं। और आज हाथ में इतना सामान है ना कि बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे मोबाइल पकड़ना। तो चलिए चलते हैं लोनावला की तरफ। और आज हमने फिर से प्लांट्स ले लिए जैसे मैंने आपको बताया था। और आज हमारे प्लांट्स हैं, दिखाती हूँ, आज हमारे प्लांट्स हैं अशोक और नीम। तो पंकज कौन सा लगाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लांट तो प्लांट ही है, सभी को लगाना है। एक मिनट, ये सामान तो रख दो पहले, मुझे भी तो रखने हैं। तो आज हमने फिर सोचा है कि माउंटेन्स पे ही लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ईजी हो जाता है लगाना, मिट्टी भी गीली होती है। तो पौधे तो बिल्कुल तैयार हैं। और परी वो रही पता नहीं क्या करती, घूम रही है, क्या कर रही है भाई उधर? रील्स बना रही है लगता है। और ओजस चला गया अंदर, आज वो बहुत गुस्से में क्योंकि संडे ही उसके पास होता ही है। राहुजस हेलो, पूरे हफ्ते वो गेम खेलता है क्योंकि पूरे हफ्ते गेम खेलता है और आज दो दिन भी उसको गेम खेलने होते हैं क्योंकि पूरे हफ्ते तो क्योंकि फुल वीक तो उसका स्कूल होता है और बेचारे के पास एक दो दिन होते हैं सैटरडे संडे गेम के लिए, उसको हम बाहर ले जाते हैं। चलो परी चलो अंदर, चलो बेटा आपकी बॉटल वो रखी सामने, बॉटल उठाओ। तो मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है, तो चलिए चलते हैं लोनावला। थोड़ी थोड़ी सी धूप है बट मुझे नहीं लगता है कि धूप अच्छे से निकलेगी। कपड़े मैं वॉश करके आई हूँ, लटका कर तो आ गई हूँ कपड़े, पर सूखेंगे कि नहीं ये नहीं पता। चलिए चलते हैं। देख रहे हैं आप कितना अच्छा मौसम हो गया है, कितना सुहावना मौसम हो गया है। और जो मुंबई के, हाँ परी का स्कूल यहाँ है, आने वाला है, अंदर जाते हैं। बस इन पेड़ों के पीछे आप कहीं भी चले जाइए, परी का स्कूल है वहाँ पर। ठीक है जी, ढाबे में रुकते हैं और आज खाएंगे हम मेंढकलोटक होटल। नहीं क्या खाना है ओजस? अरे क्या बोला था तुमने? मिसाइल नहीं पागल, मिसल पाव। अरे तुमने क्या बोला? छोले भटूरे, क्योंकि आज हमारा चीट डे है। सीलिंग जैसा लग रहा है, सीलिंग मतलब जो सी है ना मुंबई में, उसके बीच में ऐसा एक रास्ता बना हुआ है जो मुंबई के नहीं है उनको बोल रही हूँ, ऐसा एक ब्रिज है, बहुत ही सुंदर है, ऐसा लगता है कि हम सी के ऊपर से ही जा रहे हैं, ट्रेन भी वही रहता है। और सामने क्लाउड्स देखो, वाह। आज तो यार बेटा हम कहीं और, आज मुंबई जाना है वैसे भी हमें परी के ऑडिशन के लिए। लुक मैकडॉनल्ड जाना है, वहाँ पे क्या खाना है? इनको क्या पता यार, यहाँ पे जाना तुम्हें मैकडॉनल्ड को। एक्चुअली मैंने एक शॉर्ट बनाया था, आपने देखा है कि नहीं, मैं डाल देती हूँ, देखिए आप इसके बाद। मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ है मेंढकलोटक होटल, बहुत ही हंसी आई वो शॉर्ट पे, मुझे लाइक्स भी बहुत आए, आप भी देखिए। ओके ओके, हेलो मंडोलक मेंढकलोटक होटल है ये? नो मैम, इट्स मैकडॉनल्ड, कैन आई हेल्प यू? जब रोटी वाले बर्गर होते हैं आपके पास गरम गरम? जी मैम होते हैं हमारे पास। मजे है आपके सर जी, मैंने भी एक दफा खाया था, साथ स्टिंग बोतल भी पी थी,
आई मिस यू बर्गर। बादल देखो सुंदर, भूख लगी है खाना लाओ, भूख लगी है खाना लाओ। और अब हम आ गए हैं पनवेल टोलवेज पे, मतलब पनवेल भी साइड में आने वाला, बीच में आने वाला, बहुत ही सुंदर है पनवेल भी, पहाड़ों से घिरा हुआ। और ये मौसम ना कभी कभी नहीं होता, ये मौसम रोज होता है, सुबह शाम रात कभी धूप निकल जाती है। जब धूप निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे विंटर्स में हो, धूप निकलती है ना बिल्कुल वैसा ही लगता है। और ये बहुत ही अच्छा मौसम है मुंबई में, 2-3 महीने तो इजिली रहने वाला है। 4 महीने वही मारी, 4 महीने। वो देखो दूर ऐसा लग रहा है जैसे वो ना वोल्केनो नहीं होता, वो हो रहा दूर, इरप्ट हो गया। दूर देख रहे हैं आप कितनी ग्रीनरी है, इसमें से मेरा भी एक प्लांट होगा। लगाया था याद है पंकज, याद है कहाँ लगाया था, देख के आएंगे इस बार। कितनी ग्रीनरी हो गई, नहीं देख तो लेंगे ना कहाँ है कि नहीं। बेचारा वो होना तो चाहिए भाई, मैं लगा के आई। ओ भाई नेगेटिव इंसान, कभी तो पॉजिटिव बोल लो। और ये देखिए इतने सुंदर माउंटेन्स हैं, उसके बीच में सोसाइटीज भी बनी हुई हैं। मुझे लगता है पनवेल है ना, पनवेल नहीं है, पनवेल से थोड़ा सा आगे के पास है। और यहाँ कौन रहता होगा वैसे आसपास, जिनका काम होगा ना, वे लोग सेकंड होम जाए। सेकेंड होम्स भी हाँ, जो मुंबई वाले वीकेंड्स पे आ जाते होंगे, या फिर जिनका काम होगा खंडाला में वो भी रहते होंगे यहाँ पर। इधर भी बहुत कुछ है, देखो साइड में देखो इतनी बड़ी कंपनी भी, हाँ फैक्ट्रीज भी है ना यहाँ पर। पहुँच गए फूड कोर्ट, जहाँ लास्ट टाइम आए थे ओजस को बन मस्का। हाँ मम्मी रोंदू बाबा बोलो, देख लो रोता ही रहता है हमेशा बस। चलो भगे, और हम आ गए यहाँ पर फूड कोर्ट, और मौसम यहाँ भी बहुत अच्छा है, मतलब ऊपर, और रश इस बार तो बहुत है, मतलब ऊपर रश होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या खाते हैं अंदर। तेरे को क्या दिखाना था, क्या ओजस क्या खाएगा, ओजस बन मस्का मैकडॉनल्ड्स। चलो ओजस क्या खा रहा है, मैकफ्लरी। ओजस ने मैकफ्लरी लिया है, और ये चना भटूरा जो मेरा है, और ये परी का मैकडॉनल्ड्स। बस मिस मैनेजमेंट करते हैं ना। चलिए कुछ खा लेते हैं फिर आगे चलते हैं, चना भटूरा। आ गई भाई चिक्की वाले, मतलब हम लोनावला पहुंचने वाले हैं। चिक्की वालों से पता चल जाता है ना लास्ट टाइम क्या है। चिक्की मतलब गच्चक होती है, गच्चक। ओ भाई ट्रेन भी है यहाँ पर, ये कैसी ट्रेन है, मालगाड़ी है शायद ये, इस कलर की तो पहली बार देखी है। यहाँ पे लास्ट टाइम खाए थे बोची मिसल, नहीं जाना भाई, यहाँ खाए थे भाई हमने। आज तो बहुत रश है वैसे यहाँ पर, बोची मिसल मेन रोड पे बड़ा रश है, इसलिए हम गलियों गलियों में से जा रहे हैं। गलियां भी बहुत सुंदर हैं देखने में, और लोग यहाँ पर घूमने निकले हैं जिन्होंने होटल्स वगैरह लिए होंगे तो वो घूम रहे हैं। और यहाँ पर रिजॉर्ट भी बहुत अच्छे अच्छे। अभी मेरी मम्मी आने वाली है 2-3 मंथ में, ओ सॉरी नेक्स्ट मंथ ही आने वाली है इनकी नानी, तो हम जाने वाले खपोली कैंपोलिन क्लब। नहीं इन्होंने सोचा हुआ है कि कहीं ऐसे एरिया में जाकर रहेंगे एक दो दिन, क्योंकि नॉर्थ में इतनी गर्मी है, नॉर्थ में इतनी गर्मी है, तो देखते हैं कहीं पर जाएंगे। यहाँ पर कुछ वो देखो जो सामने हाउस बोट जैसा बना हुआ है, अच्छा लग रहा है ना। ऊपर से ट्रेन जाती है और ओ भाई सामने से भैंसे आ रही हैं, कितने टाइम बाद भैंसे देखी हैं, पहाड़ों की भैंस है ये।
तभी बेचारी दुबली पतली है, इतना चल चल के ना दुबली पतली होगी है। हमारे साइड की तो मोटी भैंस रहती है, मोटी भैंस यहाँ पर बिल्ली आई है इतनी है, बेचारी चलना भी मुश्किल है उनके लिए। बारिश स्टार्ट हो गई, देखो अभी एक सेकंड पहले बारिश थी और यहाँ पर धूप है, ना ही बारिश है ना कुछ। सामान ले रहा है, कौन सा सामान लेना है तुम्हें? छल्ली सामान, सामान H-R-03 ये रहा सूखा हुआ ब्रिज। अभी कुछ है पानी छल्ली कहाँ पर है? ट्रैफिक जाम मैडम, जल्दी जल्दी लो जी भुट्टा खा लो। ये देखो यहाँ से चढ़ते जा रहे हैं और ऊपर तक जाए जा रहे हैं लोग, वो दूर बैठ रहे हैं। नहीं नहीं बारिश में तो नहीं निकल रहे हम, तो यही कर रहे हैं। मैं तो नहीं जा रही ऊपर, तेज बारिश हो रही है। कहाँ चले गए सारे जो ऊपर पहुंचे हुए, उनका क्या होगा? वो देखो जो ऊपर पहुंचे हुए थे, अब तेज बारिश होगी, अब भागेंगे वहां से। बारिश हो गई है तेज। अरे कहाँ चले गए सारे, मुझे बाहर निकाल के खुद अंदर बैठ गए, बड़े बेवकूफ हो। मुझे बाहर निकाल के खुद अंदर चले गए, मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में रह गई। बारिश हो गई थी बहुत तेज। वो देख जो ऊपर भागे थे ना बड़े तेज बन के, अब बेचारे अब क्या होगा इनका, बहुत बारिश हो गई है, दौड़ गए सारे। आपका फोन तो वाटर प्रूफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसे। वाटर प्रूफ है, बाल्टी में डाल दूं उसे पानी की। पापा का सब अंदर, मैं बाहर आ गई थी। चलो अंदर चलते हैं यार, भीग जाएंगे यहाँ तो। चलो भाई ओजस और को ऊपर जाना है, चलते हैं हम भी ऊपर फिर। चलो ट्रैकिंग शुरू करते हैं। पीछे पंकज कार लगा रहे हैं, वो तो नहीं आएंगे मुझे लगता है, क्योंकि फिर दौड़ना पड़ेगा वरना यहाँ से। बारिश हो गया मेरा फोन वाटरप्रूफ है भाई। चलो चलो जल्दी आ जाओ दोनों, पानी चला जाओ। ओ भाई इतनी ऊपर पहुंच गया, तो सहन करने के लिए निकल गया, पानी गुजर गया ना पे। यहां का प्लान लगा सकते हैं, कैसे बोलूं, बोलो ना लगा दो। किधर आओ जस, मम्मी ने वही हार मान ली, अब हम ऊपर जा रहे हैं। मैं तो ऊपर पहुंच गई, इसे कहते हैं खंडर। इसे कहते हैं खंडर से क्या मतलब है? देखो हाँ हाँ तू भी कर लियो, पंकज इसको भी दे दो थोड़ा। चलो भाई पंकज ने तो अपना कर दिया काम, मम्मी हो गया इनका। अब ओजस मेरी हेल्प करेगा, वो मेरे लिए गड्ढा खोदेगा, मतलब मेरे पौधे के लिए गड्ढा खोदेगा, मेरे लिए वहाँ नहीं बिल्कुल पास नहीं, इधर थोड़ा पानी डालना चाहिए इसमें। लाइन मटर डाल दे अंकल, और डालो मिट्टी में। भैया नहीं मैं अपनी हेल्प लेकर आई हूं, ओजस मेरे लिए गड्ढा खोदेगा, मैं पौधा लगा दूंगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालो भाई। हां सर, मैं लगाऊंगा अशोक का प्लांट। बेटा खोदो ना, ऊपर से जोर लगाओ ना, ऐसे टक 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 करो। हां ऐसे आई नो दिखाना, मारूंगा थप्पड़ यार मेरे। जल्दी कर पानी मत फेंक देना, तुम पानी डालना मुझे, प्लांट को देना है। पीछे की तरफ मत मार दे, कैच कैच खेलो चुपचाप। तो ये देखिए मैंने तो इस हफ्ते भी मैंने अपना प्लांट लगा दिया, और पंकज ने भी, आप लोग भी। इस बार हम बच्चों को इसलिए लेकर आए हैं कि उन्हें भी पता चले कि प्लांट कितना जरूरी होता है, हम हर टाइम लगाते हैं। हमारे प्लांट लग गए हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि ज्यादा बढ़े, और बारिश तो हो रही है, बहुत अच्छी बात है। ये लो जस बची हुई मिट्टी पापा के प्लांट में डाल दो, पानी की बॉटल भी डाल दो, प्लास्टिक में इधर फेंक दो। कितना बड़ा
चलो अभी प्लांटेशन हो गई है, बहुत तेज बारिश हो रही है। उधर देखो जल्दी, चलते हैं वापस। हमारा प्लांटेशन भी हो गया, बारिश भी देख ली और मौसम के मजे भी ले लिए, और डीपी भी चेंज कर ली। डीपी भी चेंज कर ली। आप लोग भी आ सकते हैं क्योंकि ये टाइम अभी एक दो तीन महीने, मतलब दो तीन महीने बहुत अच्छे हैं। लोनावला और क्या है ये खंडाला, लोनावला, खुपोली, ये सब मुंबई के आसपास के एरियाज हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं और फैमिली के साथ वन डे और टू डे के लिए आ सकते हैं, बहुत ही मजे है। वीकेंड पे भी आप आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं घर। घर भी नहीं, सॉरी, हमें स्टूडियो जाना है क्योंकि परी का वहां पर थोड़ा लुक टेस्ट। तो चलिए चलते हैं और मौसम को करते हैं बाय बाय। तो चलिए चलते हैं घर और ये ब्लॉग में यहाँ पर ही एंड करती हूँ और आज के लिए बाय। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तो आप मौसम के मजे लीजिए।